अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है। नेक्स्ट टॉपिक है मोल। कल आपको मैंने बताया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपका 1 मोल हो, ठीक है, तो वो कितने पार्टिकल के बराबर होता है, 6.0 × 10⁻²⁰, ठीक है। अब आपने, क्योंकि वो आपने पढ़ा था जिसको आपने एवोगैड्रो नंबर कहा था, ठीक है, अब आप पढ़ेंगे मोल। व्हाट इज मोल? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.0 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, यानी उसका उलट पढ़ेंगे। जैसे आपने कहा था कि 1 मोल में अगर इतने पार्टिकल हो तो ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब उलट कहेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो इतने पार्टिकल्स रखे तो वो उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस, मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की आप कह सकते हैं कि अगर उस वो एक सब्सटेंस है, उसका अगर हम 1 ग्राम लें, ठीक है, और 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.0 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स किसके बराबर होंगे, 1 मोल। दैट्स मीन्स 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस या किसी का भी फार्मूला, एटॉमिक मास किसी एटम का या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, ठीक है, अगर उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो किसी एटॉमिक मास, किसी एटम के एटॉमिक मास में या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास में या किसी फार्मूला के फार्मूला यूनिट में फार्मूला, ठीक है, तो उस सब्सटेंस का जितने ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो उसका एक मोल कहलाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से देख लें कि एक सब्सटेंस है, उसका एटॉमिक मास लें या उसका मॉलिक्यूलर मास लें या उसका फार्मूला मास लें, ठीक है, अगर आप उसको एक्सप्रेस इन ग्राम में कर दें, ठीक है, और उसके अंदर जो है इतने पार्टिकल्स हों तो हम कहेंगे वो क्या है, 1 मोल। जैसे मैंने एग्जांपल किसकी दी है, हाइड्रोजन की। इसी तरह देखें दूसरा है कि फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मोलर मास एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी जब हम उसका यूनिट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसका यूनिट होता है, ठीक है, बगैर यूनिट के हम कोई भी चीज़ जो है वो बता नहीं सकते, यानी उसको मेजरमेंट के लिए किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मास, इसी तरह एटॉमिक मास फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एक होता है AMU और दूसरा होता है ग्राम, ठीक है। और जब इन तीनों चीज़ों को हम ग्राम में या एटॉमिक मास में शो कर देते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास में या फिर ग्राम्स में, तो वो उसका मास क्या कहलाएगा, मोलर मास, ठीक है। फिर देख रहे हैं फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का, एटॉमिक मास, जैसे अभी मैंने आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, ठीक है, वो एक एटम था तो एटॉमिक मास, इसी तरह अगर आप इसका मॉलिक्यूल ले लें तो उसका मॉलिक्यूलर मास जैसे 2 ग्राम बन जाएगा, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.0 × 10⁻²³, और ये इसका मास जो है वो क्या कहलाएगा, मोलर मास, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि एक नई क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बन गई किसकी, मोल की। वो मोल की डेफिनेशन क्या होगी, फिर दोबारा वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, अगर तीनों को हम एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम में, ठीक है, तो वो उसका मोल कहलाएगी। ये एक जदीद डेफिनेशन है जो आपको कहा, एक डेफिनेशन आपकी ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन दैट अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स दे आर, इट इज़ कॉल्ड मोल। और अगर न्यू क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि अगर हम इन सब तीनों चीज़ों को अगर हम किसमें जाहिर करें, एक्सप्रेस इन ग्राम। अब आपको मैंने एक मॉलिक्यूल की भी एटॉमिक, तो इसी तरह आपको ये बहुत दफ़ा दी हुई है एग्जांपल कि ये एक आपका
आयनिक कंपाउंड है, और इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो फार्मूला मास कहलाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला मास जो है वो कितने के बराबर है, 58.5 ग्राम। जब आपने इसके साथ ग्राम लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इट इज़ इक्वल टू द 1 मोल। ठीक है, अगर आप इसका 2 मोल लेना चाहेंगे, ठीक है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोल।